और यार, आज की वीडियो में आप सब लोगों का वेलकम है। मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था कि जर्मनी के अंदर जो लॉकडाउन है वो 7 मार्च तक था, ठीक है। तो अभी रिसेंटली जर्मन गवर्नमेंट जो है उसने अनाउंस किया है कि लॉकडाउन जो है वो अब 28 मार्च तक जो है वो उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। इसके अंदर आप ये कह लें कि एक इसमें जो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है वो ये है कि जो लॉकडाउन की रिलैक्सेशन है उसके हवाले से उन्होंने 5 जो है वो स्टेप प्लान अनाउंस किया है कि 5 स्टेप्स के अंदर जो है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता से जो सारी रेगुलेशंस हैं उनको वो रिलैक्स करेंगे। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि जो पहला स्टेप है उसके अंदर ये होगा कि जो स्कूल्स हैं और जो डे केयर्स हैं और जो हेयर ड्रेसर्स हैं ये जो हैं ये पहले स्टेप के अंदर जो है ये खुल जाएंगे, ठीक है। और ये ऑलरेडी बेसिकली हो चुका है पहले स्टेप में कि जो स्कूल्स हैं और डे केयर्स हैं वो खुल चुके हैं 1 मार्च से। दूसरा प्लान में उन्होंने ये कहा है, जो दूसरा स्टेप है वो ये होगा कि अगर जो इन्फेक्शन रेट है वो पर 100,000 या उससे कम रहता है तो जो कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोफेशंस हैं जैसे फिजियोथेरेपिस्ट का हो गया या मसाज वालों का हो गया या और जो लोग कॉस्मेटिक स्टूडियोज़ में ट्रीटमेंट्स करवाने जाते हैं उसके अंदर जो हो गया उनके अंदर आप अगर नेगेटिव रिजल्ट अपना लेके जाएंगे तो वो भी जो है वो खुल गए हैं और वो भी अलाउ हो जाएगा। तीसरे स्टेप में उन्होंने ये कहा है कि अगर तो ये इन्फेक्शन रेट इसी तरह बरकरार रहता है 50 पर 100,000 तो जो अम्यूज़मेंट पार्क्स हैं और जो जूज हैं या जो इस तरह की पब्लिक प्लेसेस हैं वो भी खुल जाएंगे। चौथा स्टेप क्या है, चौथे स्टेप में उन्होंने ये कहा है कि अगर तो इन्फेक्शन रेट इसी तरह अंडर कंट्रोल रहता है तो जो पब्लिक डाइनिंग है, जो आउटडोर डाइनिंग है, इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी खुल जाएंगी। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारे स्टेप्स उन्होंने कहा है कि हम हर 2 से 3 हफ्ते के बाद ये मॉनिटर करेंगे, स्पेशल जो उनकी टीम है वो देखेगी और जैसे ही कभी इन्फेक्शन रेट जो है वो ज़्यादा होगा तो वो दोबारा से जो है वो जो रेगुलेशंस हैं उनको इन्फोर्स कर देंगे। पांचवें स्टेप में उन्होंने कहा है कि अगर तो यही इन्फेक्शन रेट बरकरार रहता है, अंडर कंट्रोल रहता है तो जो कॉन्सर्ट हॉल्स हैं, जो थिएटर्स हैं, जो ओपरा हाउसेस हैं या जो एक तरह मैंने आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर किया था जो मैं एक हॉर्स शो में गया था कावालूना जो था, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी ओपन हो जाएंगी। तो ऑल इन ऑल ये वो सारा कुछ करेंगे अगले 2 महीने के टाइम स्पैन के अंदर। तो अगर आप इसको इस हिसाब से देखें कि एक्सटेंड तो उन्होंने किया है लॉकडाउन लेकिन फिर भी एक तरह से जो रिलैक्सेशन प्लान जो उन्होंने अनाउंस किया ये पॉजिटिव ही है, जिसका मतलब ये है कि अगर अगले 1.5 से 2 महीने के अंदर जो इन्फेक्शन रेट है वो काबू में रहा, वो कंट्रोल में रहा तो जो ओवरऑल मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं पब्लिक के यूज़ की वो सारी दोबारा से खुल जाएंगी। लेकिन ऑफ कोर्स वो एक ख़ास रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत होंगी और जो कंप्लीट एक लॉकडाउन इस वक्त हुआ है वो ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मगर अभी इसके लिए ये कहना जो है वो बहुत जल्दी है। ये देखेंगे कि अगले 1.5 या 2 महीने में क्या सिचुएशन बनती है और उस वक्त जो इन्फेक्शन रेट है वो किस तरह से जो है वो कंट्रोल होता है या काबू में रहता है। तो जब हम पहुंचेंगे अप्रैल के मिड में या अप्रैल के एंड में, क्योंकि जो 4th और 5th स्टेप है वो उन्होंने अप्रैल के मिड और एंड में जो है वो उसका डिसीजन लेना है, तो उस वक्त मैं फिर आप लोगों के साथ एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा और उस वक्त की सिचुएशन जो है वो शेयर करूंगा। लेकिन ऑल इन ऑल ये थोड़ा सा एक पॉजिटिव ही स्टेप है कि उन्होंने सारी चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता खोलने का जो है वो ऐलान कर दिया और सब काम जो है वो स्लोली एंड स्टेडली जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रहा है, लेकिन एज आई सेड कि स्टिल अर्ली। तो तब तक के लिए आप लोग जो है वो अपना ख्याल रखें और फिर अगली अपडेट के साथ जो है वो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय।